इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.7 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन is a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is geometric mean between a and b. जब हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन हो ए और बी के दरमियान, तो हमने एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन हमें पता है कि दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इसको इस ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होना चाहिए। मीन्स a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 जब इक्वल होगा इस a b स्क्वायर रूट के, तब हमने वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, इस चीज को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा ए बी रेज टू पावर 1/2 इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1। उसके बाद टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू इस ए रेज टू पावर 1/2 और बी रेज टू पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सारे को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा ए रेज टू पावर एन माइनस 1/2 बी रेज टू पावर 2 प्लस ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर एन माइनस 1/2। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आएं तो ये हमारे पास हो जाएगा ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस 1/2 बी रेज टू पावर 1/2 माइनस ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर एन माइनस 1/2 प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इन दो टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है ए रेज टू पावर एन माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ए रेज टू पावर 1/2 माइनस बी रेज टू पावर 1/2। माइनस यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है बी रेज टू पावर एन माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ए रेज टू पावर 1/2 माइनस बी रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, और ए रेज टू पावर एन माइनस 1/2 माइनस बी रेज टू पावर एन माइनस 1/2 इंटू ए रेज टू पावर 1/2 माइनस बी रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई कि इधर ए रेज टू पावर एन माइनस 1/2 माइनस बी रेज टू पावर एन माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 0, और ए रेज टू पावर 1/2 माइनस बी रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल है तो इट मीन्स दैट
ए रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 1/2, जो कि कंडीशन सेट नहीं है, क्योंकि हमें बताया हुआ ही नहीं है। दो दो नंबर्स दिए गए हैं और ये दोनों की जो स्क्वायर रूट हैं वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास फिर जीरो के इक्वल है, यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए रेज टू पार एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू बी रेज टू पार एन माइनस 1/2। और अगर मैं इस चीज़ को इधर नीचे लिख दूं तो ये हो जाएगा ए रेज टू पार एन माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय बी रेज टू पार एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास इस तरीके से लिखा जा सकता है ए ओवर बी होल रेज टू पार एन माइनस 1/2, और इस 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए ओवर बी होल रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। और जैसे कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया था, जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं, आपस बेस सॉरी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू 1/2। तो एन की वैल्यू हमने फाइंड की 1/2 जब हमारे पास ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन ओवर ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1 जो है ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। देन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20। फाइंड द नंबर्स के हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड करता है बाय 2 फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन। हमने नंबर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हों तो उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन वो होगा ए बी स्क्वायर रूट। अब हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड करता है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 2। इट मीन्स दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास है ए प्लस बी बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन है ए बी स्क्वेयर रूट प्लस 2। तो यहां से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 ए बी स्क्वेयर रूट प्लस 4। इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी हमारे पास कंडीशन ये दी गई है कि सम ऑफ नंबर्स इज 20। ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये भी हमें बताया गया है कि सम ऑफ द नंबर्स इज 20। एक ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और एक ये आ गई। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 ए बी स्क्वेयर रूट प्लस 4 इज इक्वल टू 20, क्योंकि दोनों ए प्लस बी के इक्वल हैं। तो यहाँ से फिर हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे ए और बी की। कैसे? 2 ए बी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 20 माइनस 4, और 2
AB square root is 16 and AB square root is 8 and AB is equal to 64. दोनों साइड से मैंने स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 3 को यूज करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 एंड ए बी इज इक्वल टू 64। यहां से मैं अगर ए की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी ए इज इक्वल टू 64 ओवर बी। यहां पे इस इक्वेशन में आप ए की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें 64 ओवर बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉरी 64 ओवर बी प्लस बी इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 बी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन बी, बी स्क्वेयर माइनस 20 बी प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, बी इज इक्वल टू 16 एंड बी इज इक्वल टू 4। सिंपली अब आप इसको बाय फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर्स बना के आप कर लेंगे, और ये वैल्यूज आप यहाँ पे इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि है ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। पहली दफा जब बी की जगह पे 16 पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर आप बी की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। सो 64 एंड 16 आर टू नंबर्स whose arithmetic means exceeds the geometric mean by 2 and their sum is 20. Next question number 8, last question. Question number 8 is the arithmetic mean between two numbers is 5 and their positive geometric mean is 4. Find the numbers. हमने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 5 है और उनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, तो उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू एंड ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन उनका होगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट। अब जो हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं उसके मुताबिक जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू 5, और दूसरी कंडीशन है कि ज्योमेट्रिक मीन 4 के इक्वल है। इसका मतलब है a बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। हमने a और b फाइंड करना है तो यहाँ से ए प्लस बी बाय टू हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड की। यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू फाइंड करूँ इन टर्म्स ऑफ ए तो वो हो जाएगी बी इज इक्वल टू
16 ओवर ए। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 16 ओवर ए इज इक्वल टू 10 और ए स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 10 ए और ए स्क्वेयर माइनस 10 ए प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन ए। इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे ए माइनस 8 एंड ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, इधर ए इज इक्वल टू 8 और ए इज इक्वल टू 2। दूसरी हमारे पास कंडीशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। जब हमारे पास ए 8 होगा तो हम यहाँ पे एक जगह पे 8 पुट कर देंगे, 8 प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2। और सिमिलरली जब हमारे पास a 2 होगा तो b की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो जो दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं वो हमारे पास हैं 2 एंड 8। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.7 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीरीज को स्टडी करेंगे।